हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे वाटर लिली के पॉन्ड में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जैसा आप देख रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग जो है अब पहले से काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे पौधा ग्रो हो रहा है तो पहले इसमें एक दो तीन फ्लावर आ रहे थे और अब इसमें काफ़ी सारे फ्लावर आ रहे हैं। और इसमें से कुछ फ्लावर तो अभी गणेश जी जब बैठे हुए थे तो हमने उन्हें रोज़ एक फूल इसमें से तोड़ के चढ़ाया और माता जी को भी चढ़ाया था फूल। और उसके बाद ये देख रहे हैं आप कि इसमें जितने हमने इसमें फूल तोड़े उतने ही इसमें कलियां और आने लग गई और उसके बाद फ्लावरिंग भी और अच्छी हो रही है और फूल भी काफ़ी बड़े साइज के ही फूल इसमें आए हैं शुरू से ही। और जैसे जैसे पौधा और बड़ा होते जा रहा है तो उसमें और ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो उससे थोड़े से और बड़े हो गए हैं फूल, जैसा आप देख रहे हैं। और ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आप कि ये वाले जो फूल है, ये वाले जो इस तरफ है, तो ये मेरा जो बड़ा वाला पौधा है एक वाटर लिली का, तो उसमें उस पौधे में आ रहे हैं फूल और ये भी फूल उसी बड़े वाले पौधे में आया हुआ है। और ये जो कुछ पुराने फूल हैं ये खिल करके अब बंद हो चुके हैं, मुरझा चुके हैं। और ये वाले जो फूल हैं ये जो है ये वाटर लिली के जब ये मैं पौधा लेके आई थी उसी के साथ इसमें कुछ बल्ब भी थे, तो वो बल्ब मैंने इसी में रख दिए थे, मतलब उसे ज़्यादा लगाया नहीं था, बस मिट्टी पर ऐसे ही पॉन्ड में रख दिए थे। तो उसमें भी अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और इसमें भी काफ़ी दिनों से फ्लावरिंग हो रही है, तो मैं उसका वीडियो भी बना नहीं पाई थी और अब जैसा आप देख रहे हैं कि ये उन ट्यूबर में जो थे तो उनमें ये फ्लावरिंग हो रही है। और इसमें भी जो फूल हैं वो बिल्कुल बड़े वाला जो पौधा है वाटर लिली का उसी के साइज के फूल हैं, मतलब फ्रेंड इसमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पौधा छोटा है या फिर बड़ा, पर इसमें जो फ्लावरिंग होगी, जो फूलों का साइज होगा वो सेम ही होगा, बड़े ही फूल आएंगे और उतने ही खूबसूरत फूल आएंगे। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये भी एक पौधा है जो ट्यूबर से ग्रो हुआ है, इसमें भी काफी फूल खिले थे, मतलब तीन चार फूल इसमें अभी खिल चुके हैं, तो अब वो सारे फूल मुरझा गए हैं। और जैसा ये देख रहे हैं आप, ये वाले जो फूल हैं, ये फ्रेंड्स ये जो वाटर लिली के फूल हैं ये तीन दिनों तक रोज रेगुलरली खिलते हैं। जैसे ये सुबह में चार पाँच बजे से खिल जाते हैं तो ये 10 बजे तक खिले रहते हैं और उसके बाद ये बंद हो जाते हैं, मतलब जैसे ही दोपहर हुई तो ये फूल वापस से कली बन जाएंगे और शाम को फिर ये पूरे दिन नहीं खिलते हैं, ये शाम को भी नहीं खिलते हैं, ये केवल सुबह के समय ही खिलते हैं और वो भी केवल 5 से 6 घंटों के लिए, उसके बाद ये फूल बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ही रेगुलर ये तीन दिनों तक खिलते हैं और उसके बाद ये जो है फूल मुरझा करके इस तरह से पानी में नीचे चले जाते हैं। और ये जो फूल है ये जिसमें गिरे हुए हैं